बिहार की राजनीति में लालू यादव सर्वोपरि नेता के रूप में स्थापित हैं। समाज में गरीबों के मसीहा के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है। इनके परिवार को बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना के रूप में जाना भी जाता है। ये सब यूं ही स्थापित नहीं हुआ, इसके पीछे लालू यादव की कई संघर्ष की कहानी है। लालू यादव अब 76 वर्ष के हो गए हैं। पूरे बिहार में उनके जन्मदिन को लेकर उत्साह है। हर जगह केक काटकर समर्थक खुशियां मना रहे हैं। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू यादव बिहार के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी पहचान देश तक सीमित नहीं है। जेपी आंदोलन से निकलने के बाद लालू यादव सीधे किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। 29 साल की उम्र में ही लोकसभा पहुंच गए। ऐसे जेपी आंदोलन से बिहार के कई नेताओं का उदय हुआ। इसमें बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पटना साहिब के लोकसभा सदस्य रविशंकर प्रसाद आदि के साथ लालू यादव का नाम भी शामिल है। 90 के दशक में उत्तर भारत में दो बड़े नेता माने जाते थे, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जबकि लालू यादव बिहार पर राज कर रहे थे। आकार में यूपी से छोटा होने के बाद भी बिहार के सीएम लोगों को ज्यादा अपील करते थे। लालू यादव के समय के कई ऐसे किस्से हैं जिसे जानकर लोग आज भी आश्चर्य हो जाते हैं। 2005 में बिहार से लालू राज समाप्त हुआ था और नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री बने थे। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि सीएम हाउस से जाते वक्त लालू यादव अपने साथ 2 फीट मिट्टी तक ले गए थे। नीतीश ने आगे कहा था कि लालू दंपति सीएम हाउस की दीवारों पर कई जगह छोटी छोटी पुड़िया रख गए थे। उन्होंने कहा था कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है। तब लालू यादव ने चुटकी लेकर कहा था कि वो सीएम हाउस में भूत छोड़कर आए हैं। इस समय लालू यादव ने अपने ही अंदाज में टोना टोटका और अंधविश्वास की कई बातें भी कही। लालू यादव का जन्म एक गरीब यादव परिवार में हुआ था। इन्होंने स्कूली शिक्षा गांव के स्कूल से ही पूरी की और फिर पटना के बीएन कॉलेज में एमए की डिग्री ली। इन्होंने कानून में स्नातक भी किया है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में लालू यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो अपने समय के छात्र नेता भी रहे हैं। लालू यादव 1977 में आपातकाल के बाद लोकसभा चुनाव जीत गए थे। पहली बार 29 साल की उम्र में लालू यादव लोकसभा पहुंचे थे और वे उस समय के सबसे युवा सांसद में से एक थे। वे सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी करीबी रहे थे। 1980 से 1989 तक वे 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता पद पर भी रहे। 1990 में जब जनता दल की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री बीपी सिंह रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जबकि चंद्रशेखर रघुनाथ झा को। ऐसे में लालू यादव को सीएम उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया। लालू यादव के राजनीतिक जीवन की प्रमुख घटनाओं में से एक भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी है। अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे को लेकर 1990 में आडवाणी ने एक रथ यात्रा सोमनाथ से निकाली थी। इस रथ यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया था और लालू यादव के आदेश पर लालकृष्ण आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए थे। लालू यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। चारा घोटाला में जब उन्हें 1997 में जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी प्योर नॉन पॉलिटिकल हाउसवाइफ थी। ऐसे में उन्हें सीएम बनाने की काफ़ी आलोचना भी हुई। साल 2004 में यूपीए सरकार में राजद की हैसियत बहुत बड़ी थी और वो यूपीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उस वक्त उनके 21 सांसद थे और वे पहली बार रेल मंत्री बने थे। चारा घोटाला मामले में साल 2013 में उन्हें सजा हो गई, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। लालू यादव के 76वें जन्मदिन पर पटना के राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों ने पोस्टर लगाकर शुभकामनाएं दी है। इस पोस्टर बैनर पर अलग अलग मैसेज लिखा गया है। लालू यादव की जीवन यात्रा को पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। राजधानी के चौक चौराहों पर समर्थकों ने ऐसे कई पोस्टर लगाए हैं, जिससे जाहिर होता है कि लालू यादव आज भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक नहीं है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले। लालू प्रसाद यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।